नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग आरएसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड आंसर। आरएसी के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में आज मैं समझाने वाला हूँ, जो आरजीपीवी बी डिप्लोमा एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे वो भी एग्जाम की तैयारी कर सकें। क्वेश्चन फर्स्ट द वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर एम्प्लॉय द फॉलोइंग साइकिल। जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर होता है उसमें कौन सी साइकिल है जो अप्लाई होती है? रैंकाइन, कार्नोट, रिवर्स रैंकाइन या रिवर्स्ड कार्नोट। तो दोस्तों ये चार साइकिल हैं, इसमें से कौन सी साइकिल है जो वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर में अप्लाई होती है? इसका करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन डी, रिवर्स्ड कार्नोट साइकिल। सेकंड क्वेश्चन, इन ए रेफ्रिजरेशन सिस्टम द एक्सपेंशन डिवाइस इज कनेक्टेड बिटवीन द। जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है इसमें जो एक्सपेंशन डिवाइस होती है ये किसके बीच में लगाई जाती है? कंप्रेसर या कंडेंसर, कंडेंसर एंड रिसीवर, रिसीवर एंड एवेपोरेटर, एवेपोरेटर एंड कंप्रेसर। तो दोस्तों ये जो हमारी डिवाइस होती है ये हमारी किसके, रिसीवर एंड एवेपोरेटर के बीच में लगी होती है। आपने देखा होगा एक्सपांसन बाल्ब या एक्सपांसन डिवाइस जो होती है, एक हमारा एवेपोरेटर होता है, ऊपर हमारा कंडेंसर होता है, रिसीवर होता है, फिर एक्सपांसन वाल्व, इस साइड आपका क्या होता है, कंप्रेसर होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सी, रिसीवर एंड एवेपोरेटर। रेटिंग ऑफ डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ। डोमेस्टिक जो रेफ्रिजरेटर है उसकी रेटिंग किस ऑर्डर में होती है, कितनी होती है? 0.1 टन, 5 टन्स, 10 टन्स या 40 टन्स। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.1 टन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों फोर्थ नंबर का, इन ए रेफ्रिजरेशन साइकिल द फ्लो ऑफ रेफ्रिजरेंट इज कंट्रोल्ड बाय। रेफ्रिजरेशन जो साइकिल है इसमें रेफ्रिजरेशन का जो फ्लो है वो हम किससे कंट्रोल करते हैं? कंप्रेसर से, कंडेंसर से, एवेपोरेटर से या एक्सपांसन बाल्ब। तो दोस्तों जो रेफ्रिजरेशन साइकिल में फ्लो है उसको कंट्रोल किया जाता है किससे? एक्सपांसन वाल्व, क्योंकि ड्यू टू एक्सपांसन इट्स प्रेशर रिड्यूस। प्रेशर क्या होता है, घट जाता है, तो इसको हम किससे करते हैं? एक्सपांसन वाल्व। ओके, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, एक्सपांसन वाल्व। एब्जॉर्प्शन सिस्टम नॉर्मली यूज द फॉलोइंग रेफ्रिजरेंट। जो एब्जॉर्प्शन सिस्टम होता है उसमें सामान्य तौर पर कौन सा रेफ्रिजरेंट यूज किया जाता है? फेरान 11, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, फेरान 22। तो दोस्तों हमें मालूम है कि जो हमारी वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन साइकिल है उसमें इक्वा स्ट्रांग अमोनिया सॉल्यूशन का यूज होता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, अमोनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग ह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस डैश डैश इंक्रीज। ह्यूमिडिफिकेशन के प्रोसेस के दौरान क्या है जो इंक्रीज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वेट बल्ब टेम्परेचर, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी या ड्राई बल्ब टेम्परेचर। तो इसमें क्या इंक्रीज होता है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी। करेक्ट ऑप्शन आंसर है रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्वेश्चन नंबर 7, इन ए डोमेस्टिक वेपर कंप्रेशन रेफ्रिजरेटर द रेफ्रिजरेंट कमोनली यूज इज। जो हमारा घरेलू फ्रिज होता है, रेफ्रिजरेटर होता है, उसमें कौन सा रेफ्रिजरेंट है जो हम उपयोग करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, R12 या ऑल ऑफ दीज। तो दोस्तों जो डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर होता है वेपर कंप्रेशन का उसमें हम फेरान 12 का उपयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। द मॉइस्चर इन ए रेफ्रिजरेंट इज रिमूव्ड बाय। यदि रेफ्रिजरेंट में मॉइस्चर है तो उसको हम किससे हटाते हैं, किससे रिमूव करते हैं? एवेपोरेटर से, सेफ्टी रिलीफ वाल्व से, डीह्यूमिडिफायर से या ड्रायर से। तो जैसे नाम से पता चल रहा है ड्रायर, ड्राई मतलब ड्राई करना, सोख लेना।
तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी ड्रायर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ड्यूरिंग हीटिंग एंड डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस ड्राई बल्ब टेम्परेचर, हीटिंग और डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान ड्राई बल्ब जो टेम्परेचर है दोस्तों ये क्या होता है, कांस्टेंट रहता है, इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है इंक्रीज। डिह्यूमिडिफिकेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता है, ड्राई बल्ब टेम्परेचर है वो बढ़ता है, इंक्रीज होता है। तो करेक्ट ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकिल यूज एयर एज द रेफ्रिजरेंट, मींस कूलिंग सब्सटेंस के तौर पे हम साइकिल में कौन सी साइकिल है जो यूज होती है जिसमें एयर एज ए रेफ्रिजरेंट उपयोग किया जाता है, एरोजन, बेल कॉलम, कार्नोट, स्टर्लिंग। तो दोस्तों बेल कॉलमन इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी, ए वाली साइकिल है जो बेल कॉलमन, ये हमारी एज ए रेफ्रिजरेंट एयर उपयोग होती है। फेरन ग्रुप ऑफ रेफ्रिजरेंट आर, फेरन ग्रुप जो है वो रेफ्रिजरेंट कौन से हैं, क्या होते हैं, क्या प्रॉपर्टी होती है उनकी, क्या क्या गुण होते हैं, तो इसमें इनफ्लेमेबल टॉक्सिस, नॉन इनफ्लेमेबल एंड टॉक्सिस, या नॉन टॉक्सिस एंड नॉन इनफ्लेमेबल। तो इसका दोस्तों करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, नॉन टॉक्सिस एंड नॉन इनफ्लेमेबल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ए वन टन रेफ्रिजरेटिंग मशीन मींस दैट, वन टन का मतलब क्या है, वन टन रेफ्रिजरेटिंग मशीन मींस इसका मतलब क्या है दोस्तों, वन टन इज द टोटल मास ऑफ मशीन है क्या, या वन टन रेफ्रिजरेंट इज यूज्ड, या वन टन ऑफ वाटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइस, या फिर वन टन ऑफ आइस व्हेन मेल्ट फ्रॉम एंड एट जीरो डिग्री इन 24 आवर्स द रेफ्रिजरेशन इफेक्ट इज इक्वलेंट टू 210 किलोजूल पर मिनट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन दोस्तों यही है ऑप्शन डी, के वन टन ऑफ आइस व्हेन मेल्ट्स फ्रॉम एंड एट जीरो डिग्री इन 24 आवर्स द रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट इज इक्वलेंट टू 210 किलोजूल पर मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन एयरक्राफ्ट, किसमें एयरक्राफ्ट, एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल इज यूज्ड, एयरक्राफ्ट में जो एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल उपयोग की जाती है, ए विकाज ऑफ, क्यों, लो वेट पल्टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, हाई हीट ट्रांसफर रेट, लो टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड्स, या हायर कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, हायर सीओपी। तो ये क्यों की जाती है दोस्तों, क्योंकि लो वेट पल्टन ऑफ रेफ्रिजरेशन, एयरक्राफ्ट में एयर रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम उपयोग करते हैं क्योंकि इसका जो वेट होता है पल्टन ऑफ रेफ्रिजरेशन के हिसाब से कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ सीओपी इन वेपर कंप्रेशन साइकिल इज यूजली, हमारी जो सीओपी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की वैल्यू होती है ये वेपर कंप्रेशन साइकिल में क्या होती है, ऑलवेज लेस देन यूनिटी, ऑलवेज मोर देन यूनिटी, इक्वल टू यूनिटी, या एनी ऑफ दी एबो। तो दोस्तों कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस वेपर कंप्रेशन साइकिल में हमेशा क्या होता है, मोर देन यूनिटी, एक से ज्यादा, मींस मोर देन यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैपिलरी ट्यूब एज इन एक्सपांशन डिवाइस इज यूज्ड इन डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर, वाटर कूलर, रूम एयर कंडीशनर, या ऑल ऑफ दीज। जो कैपिलरी ट्यूब है जिसको हम एज ए एक्सपांशन डिवाइस उपयोग करते हैं ये इन सभी में यूज होती है, वाटर कूलर में भी, डोमेस्टिक रेफ्रिजरेटर में भी, और रूम एयर कंडीशनर। इसका करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन डी। द सीओपी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, द सीओपी ऑफ ए रेफ्रिजरेटर वर्किंग ऑन ए रिवर्स कार्नोट साइकिल इज, वेयर T1 इक्वल लोवेस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर एंड T2 इक्वल हाईएस्ट एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें सीओपी क्या होगा, T1 अपॉन T2 माइनस T1,
T2 माइनस T1 अपॉन T1, T1 माइनस T2 अपॉन T1 या ऑप्शन डी T2 अपॉन T2 माइनस T1। करेक्ट ऑप्शन है दोस्तों ऑप्शन ए T1 अपॉन T2 माइनस T1। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम हैज, जो बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम है वो क्या है, उसमें एक हीट एक्सचेंजर होता है, दो हीट एक्सचेंजर होते हैं या फिर तीन होते हैं या हम बोल सकते हैं 4। तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन जो है 2 हीट एक्सचेंजर यूज्ड इन बूट स्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस इज, जो रिलेटिव कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है दोस्तों एक क्या होता है, एक्चुअल सीओपी अपॉन थ्योरेटिकल सीओपी, थ्योरेटिकल सीओपी अपॉन एक्चुअल सीओपी या एक्चुअल सीओपी इनटू थ्योरेटिकल सीओपी या इसमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है दोस्तों एक्चुअल कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस अपॉन थ्योरेटिकल कोफिशियंट ऑफ परफॉर्मेंस, मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। द बेट बल्ब टेम्परेचर एट 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज डैश डैश ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे बेट बल्ब जो ड्यू पॉइंट टेम्परेचर है वो क्या होता है, लोअर सेम हायर या नॉन ऑफ दीज। तो ये हमारा क्या होता है 100% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर क्या होता है, सेम होता है किसके, बेट बल्ब टेम्परेचर के। एयर कंडीशनिंग मीन्स, एयर कंडीशनिंग का मतलब क्या है, मीन्स कूलिंग हीटिंग डिह्यूमिडिफाइंग या ऑल ऑफ दीज। तो ये सभी हैं जो ये हमारे किसके, एयर कंडीशनिंग का मतलब है कूलिंग करना, हीटिंग करना, डिह्यूमिडिफाइंग करना, मीन्स ऑल ऑफ दीज। तो ये सारे हमारे क्या हैं, सही हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।